आदिवासी संस्कृति और परंपरा को आसंता जनवरी 9 तारीख दिन सारसमालठारे हेबाकु थिबा टोकी पर्वर मध्यवर्तीकालीन पूजा उत्सव सारसमाल ग्राम्य पूजा परिचालना कमिटी और जनसाधारण सहयोग में आयोजित होइछि। पारंपरिक रीतिनीति अनुसार पूजारी जानी कुरुमा ग्रामर माटी घर पाखरे टोकी पर्व पूजा कार्य आरंभ करथिले। प्रथमे माटीमा ग्रामर इष्टदेवी और विभिन्न देवादेवी को आवाहन करी टोकी रूपे दिया जाउथिबा पोदा को माटी घरे परिक्रमा करी पूजारी और पोदा को गंठी पका कार्यक्रम कहिथिले। एही अवसर रे अनेक कालीसीमानकु देखिबाकु मिलिथिला। परे परे पोदा को धरी घर को नै पूजार्चना करी गंठी पकै पूजारीको टोकी भावरे समर्पी गोदा को गाधोई तेल हलदी लगै नुआ कपड़ा ढांकी सुसज्जित करी मिष्टान भक्षण करी बालकटा उत्सव पालन सह पूजा कार्य संपन्न करा जाइथिला। कोविड कटकणा को दृष्टि रखी विधि रक्षा पई किपरी पूजा कार्य समापन करा जिवो सेथि प्रति परिचालना कमिटी पक्षरु विशेष पदक्षेप ग्रहण करा जिवा सह ओ पाख पड़ोसी गाँव जानी कोंतिया को नहीं एक बैठक करा जाय सुरुखुरी एही पर्व को समापन पई समस्तंक साहाज्य पई कमिटी पक्षरु निवेदन करा जायथिला। एही अवसर रे डहगां कुसुम खुंटी चिली पामाला ओलोमा तरापुर मोटर डंगरीगुड़ा अंचल जानी और गोंतिया को निमंत्रण कर मंचासीन कर संबर्धित करजार सुपरिचालनाई मंतव्य लोड़े। आज कार्यक्रम पूर्वतन सरपंच बज्र नायक सभापतित्व कही जुगल नायक मंच परिचालना और हीरा नायक धन्यवाद अर्पण कर सभा सांग टोकी पर्वर पूजा कार्य रामपुर मिचे मस्कार जानी बीर सिंह माझी द्वारा समस्त पूजा कार्य होता बेले ग्राम्य पूजारी माय पूजारी क्षेत्री पूजारी पद्ममुख पूजारी प्रभा पूजारी समेत ग्राम्य पूजा परिचालना कमिटर स्वयंवर नाग कृपासिंधु बाग अखिलचंद्र बाग सुदर्शन हंस नृपराज नायक पुस्तम नाग बैद राज माझी निरंजन नाग चंद्रमणि घी गणेश्वर बाग प्रमुख विशेष सहयोग करते। धर्मगढ़ सौम्यरंजन नायकों रिपोर्ट कोणार्क न्यूज़।